निकालने के लिए क्या निकल जाएगा। आई हाय, ओ भैया ये देखो दोस्त, ये तो कितने टुकड़े हो गए इसके। और राज कैसी लग रही है, तो ये गुड़गट्टा कैसा लगा? बहुत अच्छी। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बनाने जा रही है सोनी सर्दियों की बहुत ही फेवरेट गुड़गट्टा, जिसको देखते ही खाते ही आपको बचपन की याद आ जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम राम, राधे राधे सभी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक कढ़ाई, तो जो कि हमने ले ली है। गैस चालू कर ली। गैस का फ्लेम कितना रखेंगे? बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो, लो फ्लेम पे गैस रखेंगे। और यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, कितना गुड़ होगा सोनी? आधा किलो। तो गुड़ लिया है करीब हमने 500 ग्राम, और गुड़ को एकदम थोड़ा थोड़ा, मतलब छोटा छोटा पीस में कटिंग कर दिया है। कद्दूकस कर ले, हमने तो चाकू से काट लिया है। और अब इसको चलाते चलाते गुड़ को पकाना है। और सिर्फ एक दो चीज से ये बनके तैयार हो जाता है, सिर्फ गुड़ से ही। थोड़ा सा एक चम्मच हम पानी डालेंगे। अच्छा, एक पानी बस, एक चम्मच पानी। अब इसको चलाते चलाते पकाएंगे। हाँ, पहले तो हम घोलेंगे इसको चलाते। दोस्तों अगर आप इस रेसिपी को बनाने के लिए देख रहे हैं, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि इसको आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, एक तरफ से वीडियो को देखें तो पूरा समझ में आएगा। और ये देख सकते हैं कि अभी गुड़ हमारा अच्छे से पिघल चुका है ना सोनी? पूरा गुड़ पिघल गया है। तो अभी हम पहले इसको, अभी कहाँ पक गए चेक करेंगे? नहीं, फिर भी दो, अच्छा अच्छा सही है, करके देखना, चेक करते ही करते पकाना है, कहीं ज़्यादा ना पक जाए। दो बार तीन बार ऐसे डाल लेंगे पानी के अंदर, और इसको चलाते चलाते ही पकाना है। और ऐसे गुड़ को निकाल के देखेंगे, ये क्या है कि टूटना चाहिए, कड़क होना चाहिए ना, दांतों में चिपके नहीं। तो ऐसा हो रहा है, अभी तो एकदम ढीला है, लेकिन हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। अभी टाइम लगेगा इसमें 4-5 मिनट, 10 मिनट भी लग सकती हैं, और जितना पूरा टाइम लगेगा आपको हम बताएंगे लास्ट में कि कितना टाइम लगा है इसको, जब से हमने गुड़ डाला है कढ़ाई में, जब से कितनी मिनट हुई है, कितना टाइम लग गया बनने में, पूरा बताएंगे। दोस्तों आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, जिनको पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है। और आप एक बार ये और बता दिया करें कि आप कमेंट कर कहाँ से रहे हैं, तो ये भी हमको पता चले कि हमारे व्यूअर कहाँ कहाँ के हैं देखने वाले। अभी गुड़ तो पक रहा है, जब तक हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लेंगे ये कोई बर्तन, जैसे कि जिसमें हम जमाएंगे ना गुड़गट्टा, तो हमने जैसे कि ये बर्तन लिया है, और इसमें हम लगा देंगे घी। इसको पहले ही लगा के रखेंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। ये हम इसमें पहले ही घी लगा के रख देंगे अच्छे से लगा देंगे। बाद में घी लगाने के लिए बैठे रहे ना, तो लेट हो जाएंगे, फिर वो गुड़गट्टा अच्छे से जमेगा नहीं। अब वैसे पकने वाला है, हल्का हल्का कलर आने लग गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब खुशबू भी आने लगी है सोनी। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या चाहिए, खाना सोडा, मीठा सोडा है ना। हाँ, तो मीठा सोडा ये वाली पैकेट में। हाँ, अभी इसको हम और भी चेक कर लेंगे, और चेक करते रहेंगे अब तो, और चलना बंद नहीं करना है, चलाते चलाते पकाना है। देखिए ये बन गया, अभी इसको हम चेक करेंगे, अभी टूट नहीं रहा है। हाँ, टूटने का मतलब दूसरी बात दांतों में चिपकना नहीं चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और करीब अभी 20 मिनट हो चुके हैं गुड़ को पकाते पकाते, तो आप मान के चलिए 20-22 मिनट, इतना टाइम तो लग जाएगा। और अभी देखिए दोस्तों, अभी कितना बढ़िया कलर आ गया है ना, खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। कलर से तो भी पता, अभी हम चेक करेंगे
डालो सोनी पानी के अंदर, ये देखो, और ये देखो ये हद पर तैर रहा है, डूब नहीं रहा है ये तो हद पर तैर रहा है। अच्छा पुल बना दिया तुमने, ब्रिज बना दिया सोनी ने, ये है देखो सोनी ने ब्रिज बना दिया है। तो अभी इसको हम तोड़ के देखेंगे ना, ये इसके अंदर से निकालेंगे, ये जैसे निकाला, और ये देखो टूटने लग गया, ऐसे टूटना चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे हम तुरंत, और बंद कर दी मैंने। हाँ गैस बंद कर दी, और ये दांतों में चिपकेगा भी नहीं है ना दोस्तों, ऐसे टूटना चाहिए गुड़। और अभी हम लेंगे एक चम्मच मीठा सोडा यानी खाना सोडा, और इसमें हम डाल देंगे खाना सोडा, मीठा सोडा एक ही होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हमने घी लगा के रखा था ना इसके अंदर, बस अब इसके अंदर डाल देंगे इसको, क्योंकि ये फूलेगा अब गुड़, खाना सोडा डाला है ना, अब ये फूलेगा, ये देखो, और घोलो 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 इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर दो। अच्छा गैस मैंने बंद कर दी ना, ज़्यादा हो जाता तो दोबारा गैस चला के ख़राब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हाँ इसके अंदर एकदम जाली आएगी बढ़िया। और ये सोडा डालने के बाद में ना देखो कलर भी चेंज हो गया इसका, एकदम साफ हो गया। अभी इसको हम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, पतला बनाना है तो ट्रे में डाल दे। अच्छा पतला बनाना है, नहीं मोटाई बनाएंगे, मोटाई तो होता है गुड़गट्टा, वही अच्छा लगता है देखने में और खाने में। कच्ची चाशनी काम नहीं करेगी है। इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, डेकोरेट क्या है इसके अंदर मूंगफली डालते हैं ना, और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी तिल्ली जो तिल बोलते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। हमने यहाँ पे मूंगफली दाने लिए हैं भुने हुए, और इनको ऐसे ऊपर से डाल देंगे। सौंफ, सौंफ थोड़ी लो, ज़्यादा है नहीं, जैसे उसमें पूरी नहीं डालें तो इसमें थोड़ी सी हम सौंफ भी डाल देंगे, काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है दोस्तों इन चीज़ों से, बस काफ़ी है, और कुछ नहीं करना है, ये अपने आप बैठ जाएगी इसके अंदर। और अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, करीब एक दो घंटे के बाद देखेंगे एकदम ठंडा हो जाएगा चाप। और ये देखिए दोस्तों हमारा गुड़गट्टा जम के हो गया तैयार, और ये एकदम ठंडा हो चुका है, तो बस अब इसको हम निकालते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, अभी इसको निकाल के देखते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, हैं नहीं निकला, ऐसा करो थोड़ा इसको ऐसे मार। अभी हमने बड़ी बड़ी परात रख ली है, ये निकल के आ गया बाहर, आधा निकला लेकिन आधा रह गया, चपटी VIP चपटी, ये देखो इसको ऐसे हिला देंगे तो ये निकल जाएगा। आई हाय कितना मस्त गुड़गट्टा बना है दोस्तों, ये देखिए, ये देखो जालियाँ इसके अंदर, ये सोनी ने ज़्यादा घुमा दिया, नहीं तो और बड़ी बड़ी जालियाँ पड़ती इसके अंदर, लेकिन ये खाने बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, और इसको काटना तो मुश्किल है क्योंकि एकदम कड़क हो जाता है ना, लेकिन खाना बहुत बढ़िया लगता है इसको, और इसके अंदर वजन भी नहीं है, देखो ये देखो बहुत बढ़िया, जालियां तो हैं लेकिन बारीक जालियां हैं। अब इसको तोड़ के दिखाऊं एक बार, अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो पहले ही कटिंग कर सकते हैं या पतला जमाएं। ये देखो अभी इसको मैं तोड़ के भी बताऊँ आपको, ओ भैया ये देखो दोस्तों, देख सकते हैं कितना बढ़िया ये जाली दिख रहा है ना, गजब गुड़गट्टा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है अपना अभी। और अभी इसको हम टेस्ट भी करेंगे और बच्चों को भी टेस्ट करवाएंगे, तो अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, जब स्कूल से आ जाएंगे तो बच्चों को भी टेस्ट करवाएंगे, फिलहाल मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा गुड़गट्टा, इसमें से जो टूटा है उसी टुकड़े को ही टेस्ट करता हूँ, पहले आप सब भी टेस्ट कर सकते हैं। आवाज़ सुनना दोस्तों इसकी आवाज़, आहा बहुत ही बढ़िया, और देखो कोई दांतों में नीचे पक रहा है,
बचपन की याद आ जाएगी आपको, और टेस्टी तो बहुत लग रहा है, बहुत ही गजब का। और गुड़गुड़े है तो काफ़ी फायदा भी करता है, हेल्दी भी है। तो आप कब बना रहे हो इस वाली रेसिपी को बताना जरूर कमेंट में, गुड़ कटक कब बना रहे हो। और दोस्तों आप सोचोगे कि इसको तोड़ेंगे कैसे जब इतना मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे देखने में मजबूत लग रहा है, खाओगे तो दांतों के नीचे आते क्लाक से टूट जाता है। ये देखो अभी इसको मैं तोड़ूँ, ये देखो कितने टुकड़े हो गए इसके, थोड़ा सा मारने पर ही कितने सारे टुकड़े हो गए। और सारा ये खा लिया बच्चों ने, एक टुकड़ा बचा है। कैसी लग रही है गुड़गट्टा? बढ़िया। अंजू बढ़िया। अभी बच्चे भी आ गए, चलो लो डलिया ले लियो मुंते, ले और ले जा, बार बग दे दियो, राजू को दे दियो राजे। और राज कैसी लग रही है तो ये गुड़गट्टा कैसा लगा? बहुत अच्छी। और दोस्तों बच्चों का रिव्यू तो आपको मिल जाएगा इसको खिलाने का सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को आज की हमारी गुड़गट्टा रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।